चलिए। यस, गुड मॉर्निंग सर। सर, आई होप एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही होगी आप सभी को। यस सर, वेरी लाउड एंड क्लियर, नो वरीज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यस सर, सर शुरू करिए सर, आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आई वुड लव कि अगर मान लो दो चार लोग भी बात करते हैं ना, तो काफी लोग, सारे लोग सुन के वो अपने आगे अपना वो डिस्कशन भी आइडिया लगा सकते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। तो आप में से कोई ट्रेडर है जिसको 3 साल से ज्यादा हो गए? आई वुड लव टू स्पीक विद हिम। कोई 3 साल पुराने ट्रेडर है हमारे साथ अभी? 3 ईयर ओल्ड कोई? हेलो सर वैसे मैं हेलो सर, मैं 10 साल ओके, पहले से ट्रेडिंग करता था, लेकिन बहुत लॉस हुआ तो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरी पढ़ाई पे ध्यान किया और अच्छा, अभी अभी फिर से आई एम बैक, क्योंकि सब ओके। कुछ ठीक है अभी। या तो द मिस्टेक आई डिड वाज कि मैं पूरा नॉलेज लेके नहीं उतरा था मार्केट में, तो एंड डॉक्टर वही साहब, सारी आप डॉक्टर साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं शशांक जी? क्या सर मैं प्रॉपर महाराष्ट्र का ही हूँ, और बात है, मैं पेशे से इमरजेंसी फिजिशियन हूँ, मतलब डॉक्टर क्या ऑफ बात डेथ है रिवर्सल। जैसे आप डॉक्टर ऑफ मार्केट रिवर्सल है, आई एम डॉक्टर ऑफ डेथ क्या रिवर्सल। जो बात भी है सिक सर, पेशेंट रहते हैं या फिर जो ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं, उनको रिवाइव करना मेरा काम है। और क्या अभी बात है सर। मैं ऑल ओवर इंडिया जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते हैं गवर्नमेंट के, जी उनमें जी एज अ सर, मेंटर ही काम करता हूँ। मतलब सभी सरकारी डॉक्टरों को बताता हूँ कि सिक पेशेंट ऐसे मैनेज किया जाता है, तो अरे हैंड्स ऑन वाह, ट्रेनिंग में देता हूँ एक एनजीओ के साथ में जुड़ के। तो आई अरे वाह नो सर, क्या हाउ हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स जब ऐसा कोई मेंटरशिप प्रोग्राम रहता है। किताबें पढ़ बात के तो थोड़ा थ्योरी अलग रहता है, लेकिन जब है प्रैक्टिकल की बात होती है ना, सर टू जी बी जी एन सर इंडिपेंडेंट ट्रेडर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक अप अ गुड गुरु, अरे सर क्या अदरवाइज बात है। ठोकर खा खा के पूरा कैपिटल चले जाता है। देखिए सर, पहली बात तो आई एम थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम वेरी लकी, फीलिंग प्राउड कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जो डॉक्टर को एक भगवान माना जाता है हमारे देश में और सभी पूरे वर्ल्ड में, और थैंक यू। तो आप तो वापस क्रिटिकल वाले, यानी कि आपको तो फास्ट एक्शन लेने होंगे, आपको ज्यादा सोचने का समय नहीं मिलता होगा ना, कि आपके पास जो केस आते होंगे डॉक्टर साहब, तो उसी तरह से मार्केट भी ऐसा ही है कि आप फटाफट डिसीजन नहीं लोगे तो या तो आप लॉस खा जाओगे, या प्रॉफिट कम हो जाएगा, या प्रॉफिट भी नहीं होगा, या कुछ नहीं होगा। सो जैसा कि आपने एक चीज बोली डॉक्टर साहब, आई एम वेरी मच श्योर दैट कि लाइव मार्केट में, यानी कि लाइव दिखाना। देखिए, मेंटरशिप आपको पढ़ाने वाले बहुत हैं, मैं सभी का आदर सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, अच्छा पढ़ाते होंगे सभी। बट लाइव मार्केट में आके, जैसे मैंने रात को आपको कुछ एक स्टडी बताई है, थ्योरी बताई है, वो क्या कैसे काम करेगी, वो मैं लाइव मार्केट में आकर रोज आके बताऊं, तो आपको कितना अच्छा एक हेल्प मिलेगा, और यू विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी। जैसे जैसे मैं रोज रोज लाइव आता हूँ, तो मेरे सारे मेंटर, हमारे मेंबर्स कभी प्रॉफिट भी करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी छोटा मोटा एसएल भी जाता है, बट मोस्टली हम एंट्री कब करेंगे, जब हमको प्रॉफिट मिलेगा तो ही एंट्री करते हैं, बाकी एंट्री करनी नहीं है। इस मार्केट में सब कुछ पहले से पता चल सकता है, यस डेफिनेटली। ओनली 2-3% जो होता है ना, वो एक कभी भी पंप एंड डंप होता है तो बात अलग है, बाकी मार्केट के मूड, माहौल, लेवल्स, मार्केट का बिहेवियर, वी कैन डेफिनेटली प्रिडिक्ट इन एडवांस। सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप, इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल एंड एनीथिंग, वॉट एवर यू आर प्लानिंग ना। सो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो ट्रेड में एंट्री करने वालों, डज इट फॉर इंट्राडे, डज इट फॉर स्कैल्पिंग, और एम आई गोइंग टू पोजिशनल। सो अकॉर्डिंग टू दैट योर स्ट्रेटेजी एंड आपका प्लान बनेगा। कई बार होता है कि हम एंट्री कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अब क्या करना है, हम पहले सोचेंगे फिर एंट्री करेंगे। और मैंने एक चीज सीखी है, मैंने कल एक वीडियो भी शेयर किया था आपको, एक अच्छा बंदा है, वो काफी साइकोलॉजिकल अच्छे वीडियोज बनाता है, तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ बट मैं यूट्यूब पे हूँ, तो मैं कभी कभी आपको ऐसी चीजें भी शेयर करता हूँ जिससे आपका नॉलेज बढ़े। तो हमारी एंट्री मान लो लेवल पे होती है, सपोज मैं यहाँ पर शॉर्ट मारता हूँ, मैं मेरे एरिया में शॉर्ट मारता हूँ, तो माई स्टॉप लॉस विल बी वेरी थिन, और इफ यू आर मेकिंग एंट्री ऑन राइट टाइम, स्टॉप लॉस की चिंता ही मत करो आप। अगर लग भी गया तो बहुत छोटा सा जाएगा, 10-20 रुपए का स्टॉप जाए और 200 का प्रॉफिट हो, वो वाली थ्योरी पे काम करना चाहिए। फॉर दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ एंट्री परफेक्टली। एंट्री करिए, आपको वैल्यू हो रही है, हाई लो, जैसे हमने देखो, मैंने खुद के कुछ सेटअप डिजाइन किए, मेरे काफी सारे फ्री वीडियोज अवेलेबल है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि मैं लगभग जो सीखा था ना, उतना ही मैं लगभग यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, बट वो ऑर्गेनाइज नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और मेरे साथ अगर आपको लाइव रहना है, इफ यू वॉन्ट टू लर्न लाइव मार्केट विद मी, इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड विद मी लाइवली,
देन आई वुड रिकमेंड टू ज्वाइन मी, आई विल वेलकम ऑन दैट. बाकी मैं सारी चीजें, मैं कई बार मेरे स्टूडेंट्स की मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर देता हूँ. मैं चाहता हूँ यार सीखो आप, आपको फायदा होता है डेफिनेटली, आप कुछ करो. मेरे काफी मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, उसके पहले वो कुछ प्रॉफिट कर रहे थे. तो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि आप प्रॉफिट करें. बट साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, फिनेंशियल मैनेजमेंट, यानी मेरे पास अगर 1 लाख रुपया तो मुझे कितना कहाँ डालना चाहिए, क्या मुझे सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी करनी चाहिए, मैं कहूँगा नहीं. थिंक लाइक ए फिशरमैन, आपको जो मिलेगा आपको लेना है. इस वजह से कहीं समटाइम यू आर नॉट एबल टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम इंडेक्स, शिफ्ट टू स्टॉक. कई बार आपको कैश में मिल रहा है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है. सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, हाउ यू आर मैनेजिंग योर फंड, हाउ यू आर यू नो डिसिप्लिन, क्या है आपका. पैसा बनता है, बिल्कुल पैसा बनता है. ये आपको अगर देखोगे तो हमारे कुछ मेंबर्स हैं, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप चाहें तो हमारे रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, सारे जेन्यून रिव्यू हैं. आई विल सेंड सेंड दिस लिंक, ट्रस्ट पायलट करके. ये मेरे ख्याल से शेयर मार्केट वालों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है रिव्यूज के लिए. ये कोई इसमें फालतू चीज नहीं होती है, दिस इज वेरी जेन्यून प्लेटफॉर्म. तो माई आइडिया इज दैट कि हमको पता चलना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या है. मुझे सेलोन राइस देना है या मुझे इंट्राडे में सिर्फ कॉल में काम करना है. आज मैं पुट में काम नहीं करूंगा, बट जब भी मौका मिलेगा मैं कॉल में ही काम करूंगा या फिर मैं पुट में ही काम करूंगा. मेरे मेंबर्स को मैंने पिछले दिन से बोल रखा है, 3 दिन से, कि वी विल नेवर ट्रेड इन कॉल, बिकॉज 50 पॉइंट जा रहा है ऊपर, फिर सीधा 100 पॉइंट नीचे आ रहा है. ये सारी शॉर्ट कवरिंग चल रही है. अब ये शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में फ्रेश लॉन्ग नहीं आ रहा है, ताजा खरीदारी, ये सारे शॉर्ट. ये जो मार्केट आप ऊपर देख रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ. ये मान लीजिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये जितने भी ग्रीन कैंडल है ना, ये कोई नया खरीदार नहीं है, ये सारे शॉर्ट कवर करके जा रहे हैं. शॉर्ट कवरिंग से भी मार्केट ऊपर जाता है, तो इसका भरोसा नहीं होता है. ये जितना जल्दी ऊपर जाता है ना, उसी स्पीड से वापस नीचे आता है. तो हमको सेफ ट्रेड करनी होती है, हमको हमारा टारगेट, यार ये आपको मैं बोलूँ आपको गारंटी से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के आसानी से एक सेटअप में मिल रहे हैं, मिलते ही मिलते, और मिलेंगे तो पक्का मिलेंगे. तो आपको और क्या चाहिए, दिन भर 2-4 ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग करना अपना नहीं. एक सेटअप पे एक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो. अब आपका सवाल आएगा कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब. देखिए मैं मानता हूँ कि 1-2 दिन, 1 वीक में कुछ नहीं होता है. जब तक आप कोई चीज तो सीखते हो, 15 दिन तो थ्योरी में जाता है, 20 दिन थ्योरी में जाता है, फिर उससे बाद अगला 1-2 महीना प्रैक्टिस में जाता है. आप भी सर डॉक्टर हैं, तो आप में से भी काफी प्रोफेशनल्स वाले होंगे. यू नो दैट टाइम लगता है चीजों को सीखने में. पहले तो सीखना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, फिर उसकी प्रैक्टिस. तो मैं मानता हूँ कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना, मैं आपको वो लाइव मार्केट में भी करके दिखाऊं, तब आता है मजा और बनता है पैसा. आप मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट्स भी देखते होंगे, हम लाइव मार्केट में आते हैं और हम पूरी टीम के साथ पैसा बनाते हैं. मैं होगा तो अगली बार मेरे कुछ स्टूडेंट फ्रेंड्स को भी साथ में लेके आऊंगा. तो ये मेरा, दिस इज माई थॉट प्रोसेस कि मैं आपको कुछ भी सिखाने वाला हूँ तो वो लाइव मार्केट में भी आना चाहिए. मैं जैसे स्टॉक के सिलेक्शंस दिखाता हूँ, मैं स्कैनर्स वगैरह खुद बनाता हूँ, मेरे पास काफी खुद के स्टॉक स्कैनर हैं. मतलब मैं टाइम पास नहीं करूंगा, अगर मेरे पास यहाँ ट्रेड नहीं मिल रही है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा. मुझे जिधर मौका मिलेगा मैं उधर जाऊंगा, यू नो. सो मार्केट इज नॉट कि भाई वो एक ही लेवल में जा रहा है, एक ही तरह से चल रहा है. नहीं, मार्केट आपको कभी इंडेक्स में दे रहा है, कभी फ्यूचर में दे रहा है, कभी स्टॉक्स में दे रहा है. मैं कभी कैश में रिकमेंड करूंगा, मैं कभी एफ एंड ओ भी जाऊंगा. अगर मैं एफ एंड ओ इंट्राडे कर रहा हूँ तो मेरे रूल्स क्या होंगे, अगर मैं एफ एंड ओ में अगर स्विंग पोजिशन बना रहा हूँ तो रूल्स क्या होंगे, स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना होता है, ये सब चीजें. लेवल कौन से लेवल पे एंट्री एंट्री, यही है सर. अगर मैं बोलूँ मोटा मोटा डॉक्टर साहब, 70-80% गेम इज लेवल एंड डेटा. कौन से लेवल पे मार्केट आया है और वहां पर क्या डेटा बन रहा है, उसके बाद हमको पता चलेगा हाँ ये वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा. कौन से वो लीडिंग इंडिकेटर से, जैसे मैं बोल रहा था बार बार वीएफ पे जाएगा, सेल करना है आपको. ये देखिए लास्ट मोमेंट पे वीएफ आया और प्राइस नीचे जा रहा है, तो कहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है. सपोज मार्केट की एक फेयर वैल्यू है, आप सभी लोग मार्केट में गए, एक मान लीजिए आप गोल्ड खरीदने गए, या फिर गोल्ड बहुत महंगा हो गया, मैं छोटी चीज बोलता हूँ, लाइक आप मार्केट में गए एप्पल खरीदने, एप्पल की फेयर वैल्यू है 100 रुपीज, बट एप्पल मिल रहा है 120 में. व्हाट यू विल डू, यू विल वेट टू टच द प्राइस एट 120, देन यू विल बाय. समटाइम यू विल सी यार एप्पल डिमांड्स आर वेरी लो एंड सप्लाईज आर वेरी हाई, सो आई वुड लाइक टू बाय एट 80 रुपीज मे बी. तो ये मार्केट की फेयर वैल्यूज, अब उसको कैसे देखेंगे हम फेयर वैल्यूज को, फेयर वैल्यूज देखने के लिए क्या चीजें यूज करनी होती है, दैट्स व्हाट वी आर यू नो थिंकिंग एंड लर्निंग ऑन दैट ऑल्सो. डॉक्टर साहब यही थ्योरी थी हमारी जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे. कोई क्वेश्चंस करेंगे सर प्लीज. विकास, और पिछले लगभग आपका 4 वीक से मैं
जी जी लैब में भी रहता हूँ सर। सबसे पहले तो सर नमस्कार आपको, आप दोनों को। और सर सबसे सबसे पहले फेयर वैल्यू सबसे पहले एक बार मैंने पूछा था, लेकिन लास्ट में थे तो शायद भूल गए थे फेयर वैल्यू। और दूसरा जो है लास्ट संडे का भी एक क्वेश्चन था कि ये जो हम ये अभी जैसे फुटप्रिंट जो इसका लगाए हुए हैं और ये क्यूमुलेटिव डेटा जो दिखा रहा है राइट साइड में, इसको कितना डिस्टेंस पे रखेंगे कि एग्जैक्टली हम मतलब फाइंड कर पाएं, क्योंकि आगे पीछे करने पे क्यूमुलेटिव डेटा चेंज होते रहता है। नहीं नहीं सर, देखिए देखिए मैंने एक सेटिंग बता रखी है। मैं क्या करता हूँ, मैं लॉट साइज में सेटिंग करता हूँ, ये सारे लॉट के नंबर हैं और बस नंबर चेंज नहीं होगा सर, वो थोड़ा सा ये। और आप अगर इसको इस तरह से करेंगे तो वो नंबर टोटल, आप इसको देखिए पैनल को सर, इधर देखेंगे आगे पीछे करेंगे तो हो सकता है नंबर की वैल्यू चेंज हो जाए, मगर आप अगर ये वाला नीचे का टोटल देख के अंदाज लगाएंगे तो आपको कोई नंबर चेंज आने दिखेगा सर। और रही बात फेयर वैल्यू की, तो सर मैं एक चीज बताता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं दिस इज ए वीकली वीवैप, मार्केट अभी वीकली वीवैप पे नीचे चल रहा है, मतलब पिछली वीक की वैल्यू से मार्केट नीचे की वैल्यू पे आ गया, मार्केट शिफ्टिंग। आप देखेंगे पिछले तीन वीक से मार्केट अपनी वीकली, नई वीकली, यानी कि वीकली मीन्स मंडे टू फ्राइडे, वी आर हैविंग अनदर वीक स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, तो मार्केट अपनी वीकली वैल्यू से नीचे आ रहा है। आपको देखते हैं वीवैप का प्राइस है कि मार्केट का अगर फेयर वैल्यू बढ़ेगा तो वीवैप का प्राइस बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा। तो अभी तो फिलहाल यही कि मार्केट अपनी वीकली वीवैप के नीचे चल रहा है, और डेली वीवैप, ये 30 मिनट्स का कैंडल है, डेली वीवैप से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वो नीचे शिफ्ट होता जा रहा है। तो मार्केट का जो लेवल है, अगर बैंक निफ्टी की बात करूं इस फ्यूचर चार्ट पे, तो 41,500 तक आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, आना ही पड़ेगा। वहां पे एक ऑक्शनल एरिया है, वहां पे मार्केट ने सबसे ज्यादा ट्रेड किया है, तो वहां पे अगर अगला अगर पड़ाव होगा तो वहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कुड बी ए 45,000 ऑल्सो, बट 41,500 इज ए मैंडेट टू कम। विकास सर आप हाँ जी प्रीमियम वाले को सिखाते ही हो, थोड़ा सा प्री ओपनिंग मार्केट का जो फंडा है ना, आपको किस तरह की चाहिए सर, बिल्कुल मैं इस पे आपको कुछ बनाने की कोशिश करूंगा। माई आइडिया यार ऐसा नहीं कि भाई कोई क्लास की मार्केटिंग, वो तो अलग चीज है, हम वैसे भी ट्रेडर लोग हैं, हमारा काम हो ही रहा है। आप अगर हमसे ऐसे ही सीख सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी मिलेगी। मोटा मोटा ये बोलूंगा कि मैंने 2 साल पहले कोई वीडियो बनाया होगा, मेरा वीडियो बनाया होगा, उसके बाद मार्केट में बहुत सारे वीडियो आएंगे, ऐसा मैं ये नहीं कहता, पर फिर भी आप चाहें कि चेक कर सकते हैं ये, मुझे आप लोग भी बोलते हो मैं सर आपकी आवाज वॉइस ब्रेक करके रखे हुए हैं। और प्रीमियम मेटावर्स प्रीमियम और ये फ्री वाला, ये दोनों में जब आने के बाद दूसरा ग्रुप कोई देखना ही नहीं पड़ता सर, तो ये आप लोगों की एकदम रियली मतलब जो करते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर, थैंक यू सर। सर देखिए बात ये है ना कि आप अगर एनालिसिस सही करते हो तो चीजें ठीक रहती मार्केट में, और आपको लाइव मार्केट के एनालिसिस अलग टाइप के होते हैं, आफ्टर मार्केट अलग होता है। अब मैं आफ्टर मार्केट एनालिसिस हमारे मेंबर्स को रोज शेयर करता रहता हूँ, लोअर लो बन रहे हैं, ये मेरा मतलब प्लान है कि मार्केट का पॉइंट ऑफ कंट्रोल, व्हाट डज मीन ऑफ दैट, मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के मार्केट में सबसे ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट कर रखा है मार्केट ने एक लेवल पे, तो मार्केट वहीं आने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है एक दिन में नहीं आता है मार्केट, अगर 41,500 पे आना है तो वो ऐसा नहीं कल ही आ जाएगा, ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग होगी, लॉन्ग अनवाइंड होंगे, नया लॉन्ग बिल्डअप होगा, नया शॉर्ट बिल्डअप होगा, जो भी होगा। मार्केट जिस तरह से ऊपर गया है धीरे धीरे, देखो मार्केट ऊपर गया तो भी रेड कैंडल बनी है, मार्केट नीचे आ रहा तो भी ग्रीन कैंडल बनी है, तो मार्केट अपनी स्लो मोमेशन में आएगा। तो क्या मुझे ट्रेड कौन सा लेना चाहिए, तो क्या मैं फेब्रुवरी का पुट ले लूं 41,500 का, ठीक है, वीकली ऑप्शन को कैसे ट्रेड करना होता है आपको, अगर मंथली ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना होता है, यही सब चीजें सीखनी है। अगर आप ऐसे पॉइंट पर मार्केट है ना पिछले 15 दिन से एक रेंज में, ना तो ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, वो टाइम पास कर रहा है एक ही रेंज में, वहां पर मुझे कॉल पुट दोनों खरीदने, कौन सा स्ट्राइक प्लेस कलेक्ट करना है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग इस तरह से करी जाती है। ऑप्शन में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, बट आपको बहुत सारी चीजों को एक बार ध्यान में लाके उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग करके रख देना, होल्ड करना ज्यादा पैसा देता है, बजाय इंट्राडे में आप जो 5-10%, 20%, 15% कभी लॉस करते हो वो अलग है, उसमें रिस्क कम लो, इंट्राडे में रिस्क बहुत कम लेना चाहिए। होल्डिंग करिए, आप कैश में होल्डिंग करिए, ऑप्शन में होल्डिंग करिए, बकायदा आपको पता होना चाहिए कि होल्डिंग का पॉइंट आया है या नहीं आया है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में चांस नहीं मिल रहा है, गो इन स्टॉक्स, मार्केट आपको सभी तरह का, देखो कई बार क्या होता है बैंक निफ्टी हार्डली 2% 2.5%,
स्टॉक्स तो आपका एक दिन में 8% 10% भी चले जाते हैं, एफ एंड ओ स्टॉक आप देखते हैं इस मार्केट में, तो आपको मौका मार्केट देता है, टूल्स हैं अवेलेबल और हमारे जैसे मेंटर भी हैं, आपको खुद को बैकटेस्ट करना है, खुद प्रैक्टिस करेंगे और करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट रोज मौका देता है, कभी नहीं दिया तो नहीं भी करना होता है। समटाइम मुझे लगता है कि यार मुझे लग रहा है कि ऊपर तो जा रहा है बट मैं कन्विंस नहीं हूं तो मैं छोड़ दूंगा उसको, मेरा सेटअप बोल रहा है कि यार ये टेम्परेरी है तो मैं छोड़ दूंगा, तो अच्छा है सेटअप होना चाहिए, सेटअप पर डेटा भी होना चाहिए, डेल्टा भी होना चाहिए, लेवल भी होना चाहिए और हम साथ में ऑप्शन चेन को भी देखते हैं, तो ऑप्शन चेन में उतना ही देखना है जितना काम का है वरना कंफ्यूजन आ जाएगा, आपको 5-10 मिनट में लगता है ये स्ट्राइक पे पुट ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, इधर पहले ये था, मत करो, वो 2-3 चीजें ही देखनी जो आपको कन्विक्शन देने के लिए। सो ऑप्शन चेन सर ओनली टू मेक कन्विक्शन, नॉट टू डिसाइड ट्रेडिंग प्लान, ट्रेड नहीं करोगे आप, ट्रेड करेंगे अपने सेटअप से हम। सो जैसे पुट कॉल रेशियो आप देखेंगे, पिछले मैं 15 दिन से देख रहा हूँ, आई एम मॉनिटरिंग सिंस 15 डेज, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो नेगेटिव चल रहा है, यानी लेस देन 1, अभी 3 दिन से तो 0.5 और 0.6 के आसपास आ गया है, मतलब यह कि मार्केट में लॉन्ग बिल्टअप हो ही नहीं रहा है, जरा सा भी अगर ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा ना तो वो शॉर्ट कवरिंग से हो रहा है, यानी कि मार्केट में आपने 1,00,000 रुपए का माल शॉर्ट किया है, सेल किया है फ्यूचर लॉट, बट आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप उसको बाय करेंगे बिल्कुल, तो वो प्रोसेस से मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर जितना जा रहा ना उससे डबल स्पीड से नीचे आता है, तो फर्स्ट डेस्टिनेशन इज 41,500, तो ये सारे लेवल निकालना करना ये सब यही है सर, कुछ नहीं है पे ज्यादा, कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं है, बस एक बार पता चल जाना चाहिए कि मार्केट क्या बिहेव करता है। मैंने मेरे मेंबर्स को बोला था 2 दिन पहले कि वीकली बीएफ पे आएगा ये अभी 10 मिनट के अंदर, वहां पे बिना सोचे समझे बाय करना है एक्सपायरी के दिन, मार्केट वीकली बीएफ पे टच किया और एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स हुआ, निफ्टी हुआ था लगभग 50 पॉइंट एक्सपायरी के दिन और बैंक निफ्टी हुआ था लगभग 150 पॉइंट, तो कौन से लेवल पे आता है मार्केट, क्या रिएक्शन देता है, कई बार आप देखेंगे 43,000 आसानी से ब्रेक नहीं हुआ, अभी 42,000 आसानी से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, सो कौन से लेवल पे ज्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है तो वो लेवल क्या रिएक्ट करेगा, यही सब सीखना होता है सर, प्लीज। आई होप आप कभी लोग, काफी लोग मेरे मेटालाइट्स में भी होंगे ज्वाइन, वहां पे उसके रिलेटेड भी इफ यू वांट सम आस्क क्वेश्चंस तो प्लीज आई वेलकम दोस पीपल। यस अभिजीत जी, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है क्वेश्चंस आएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो। यस प्लीज परेश जी। यस मिस्टर परेश, हेलो। हाँ सर, सर मुझे है ना ये आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन क्या है कि ऑफिस के टाइम पे है ना आप जो बोलते कि लाइव कमेंट्री भी रहेगा तो वो अटेंड कर नहीं पाऊंगा मैं, तो फिर सर व्हाट हैपन, मेरे साथ क्या होता है सर कि मेरे जो 70% माय मेंबर्स आर जॉब पीपल, तो नाइट में तो 9:30 को हम लोग सर स्टडी करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, और रही बात लाइव मार्केट में तो आई स्टार्टेड माय लाइव मार्केट 9 to 10:30 और 11, 2 घंटा, तो 10-15 मिनट आइए या फिर कभी छुट्टी ले लीजिए सर, देखो आपको यही देखना है सर, आपको बस सीखना है टाइम मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा सर, अगर आप चाहते हैं कि मेरे से रात को थ्योरी सीखे और उसी थ्योरी को लाइव मार्केट में कम ट्रेड करें, आपको सुनिए मत करिए, खाली सुनते रहिए, देखते देख ना पाए, कभी छुट्टी ले लीजिए एक्सपायरी के दिन, मैं एक्सपायरी के दिन फुल डे लाइव होता हूँ मैं लगभग, कभी कोई इश्यू आ गया तो ठीक है, बाकी मैं लगभग ट्राई करता हूँ मैं एक्सपायरी पर फुल डे मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ रहता हूँ, तो अब आपको लगता है तो वीकली एक्सपायरी है तो कभी आप हमको ज्वाइन करिए पूरे दिन, तो थ्योरी सीखने के बाद प्रैक्टिकल करने से क्या होता है सर कि डाउट्स क्लियर होते हैं, जैसे आप थ्योरी सीखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन उस वक्त दिमाग में नहीं आते, पर लाइव मार्केट में आते हैं तो आपको वो क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको कोई होना चाहिए ना मेरे जैसा कि हाँ सर इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, अगर आपने रिकॉर्डिंग्स देखी तो भी आप अपना काम कर सकते हैं, अगर जो हम जनरली मेरे साथ यही होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिलोंग फ्रॉम जॉब फील्ड, ये लाइव मार्केट का भी रिकॉर्डिंग है, कभी कभी मैं करता हूँ जहां पे मुझे कोई स्ट्रेटेजिकल डिस्कशन करना है, बाकी लाइव मार्केट से मैं 3 घंटा बैठ गया, अब 3 घंटे की रिकॉर्डिंग आप भी नहीं देख पाओगे सर, बोरिंग होगी, बट कोई मोमेंट आया है जहां पे कोई ऐसी चीज है मुझे सबको बतानी, वहां मैं वो उसका छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, और सर अगर इवनिंग में अपना जैसे कमोडिटी का करना है सर, हम तो यही तो करते हैं, देखिए सर जैसे थ्योरी हुई जैसे शाम को मिलते हैं 2-3 घंटा हम बैठते हैं, मैं रोज लगभग वीक डेज पे तो बैठता हूँ,
अब दो घंटा थ्योरी कर ली, एक आध घंटा लाइव ट्रेडिंग, अब मेरे को लाइव चार्ट दिखाना था, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस बहुत सारे चार्ट 24 आवर चलते हैं, WTI क्रूड 24 आवर चलता है, क्रूड का चार्ट इंडिया में बंद होता है 11:30 बजे बट वर्ल्ड में 24 आवर चलता है, तो हम वहां चले जाते, तो डोंट वरी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी किसने बोला वही है, और भी तो बहुत सारी चीजें सर इस दुनिया में। करेक्ट, तो अपना 3 महीने में जो आप बोल रहे हैं लाइव, तो अपने को क्रूड का भी मिलेगा। देखिए देखिए सर, आप ना क्रूड, जीरा, धनिया, हल्दी जो चार्ट पे आता है जिसका सेटअप है, कुछ भी आप ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, नैस्डेक, डाउ जोन्स, यू नो निफ्टी ऑटो, एनीथिंग यू कैन ट्रेड। नहीं मुझे क्या पूछना है कि लाइव जो आपका जो 3 महीना चलता है 90 डेज का और मैं स्कैल्पिंग और मैं अगर वो जो इंट्राडे टाइम पास करता हूँ ना वो मैं सारा क्रूड में करता हूँ। डेफिनेटली मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, मैं पोजिशनल करता हूँ। हाँ बाकी मेरा इंट्राडे मैं स्कैल्पिंग आई वुड लव टू गो ऑन क्रूड ऑयल बिकॉज क्रूड ऑयल इज मच इजियर देन निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर आप सही बात करें, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी इज इंडेक्स एंड इटसेल्फ ए स्टॉक, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक इंडेक्स भी है 50 स्टॉक का और 12 स्टॉक का, वो खुद अपने आप में स्टॉक है, तो उसमें बड़े है ना वो फ्लक्चुएशन और वो है ना कहीं ना कहीं मतलब स्मूदिंग नहीं होता है उतना जितना क्रूड में होता है, और क्रूड इज यू नो वर्ल्ड मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड में ट्रेड करते हैं लोग, निफ्टी बैंक निफ्टी से बहुत बड़ा उसमें लिक्विडिटी होता है, कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, तो वो शाम को 6 बजे बाद ही इंडिया में करने का। अगर आपको एमसीएक्स कमोडिटी में ट्रेड करना होता है ना सर, तो सबसे अच्छा टाइम स्टार्ट होता है शाम को 6 से रात को 11 बजे तक इंडिया के लिए, तो इट्स गुड टाइम फॉर अस, हम लोग रात को भी करते हैं सर, क्रूड में भी आते हैं, नेचुरल गैस भी ट्रेड करते हैं। फर्स्ट 15 डेज थ्योरिटिकल, थ्योरी को ज्यादा नहीं है आप समझ जाओगे, थ्योरी के बाद वही प्रैक्टिकल करो ज्यादा, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल नहीं किया ना सर, मैं आपको 4 दिन के लिए मैं किसी होटल में बुला दूं, खाना पीना करेंगे ये सब हो जाएगा, 4 दिन बाद आप ढूंढते कुछ मतलब नहीं निकलेगा, आपके पास सवाल आएंगे कोई मतलब नहीं सर उसका। ये शेयर मार्केट लाइक डॉक्टर, जैसे डॉक्टर साहब थे अभी, डॉक्टर साहब ने कितने साल मेहनत करी होती कि जब तब जाके उनको एक्यूरेसी आई होगी या एक ग्रिप आया होगा, तो मैं मानता हूँ कि आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर, एक दिन एक वीक 15 दिन में कुछ नहीं होता, मैं खुद बोलता हूँ मैं 15 दिन में थ्योरी कंप्लीट करूंगा, फिर समझ में नहीं आई तो मेरा नया बेचा था उसके साथ बैठ जाओ, आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मान लो अभी मेरे नए मेंबर्स हैं, तो कुछ पुराने मेंबर आना चाहते हैं, दे आर वेलकम ऑलवेज, कोई बड़ा मैं कोई बड़े नंबर नहीं करता हूं, मैं कोई अपना मार्केटिंग भी इस तरह से नहीं करता हूं सर, जस्ट लाइक बिकॉज मेरे को टाइम मिलता है तो मैं करता हूं ट्रेडिंग का, बाकी मैं जनरल मैं बिजी रहता हूं ट्रेडिंग में, और मेरे गोल्स ट्रेडिंग से पूरे हो जाते हैं सर, आई एम वेरी हैप्पी टू ट्रेड, आई नो हाउ टू ट्रेड, सो बेसिकली हमारा ये मानना है। अगर आप हमारे प्रीमियम जो मेरा मेटा लाइट वगैरह है आप उसमें होंगे तो आपको पता है हमारी एक्यूरेसी और हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो किस तरह काम करते हैं, यू नो दैट। काफी लोग मिस्टेक करते हैं सर, ज्वाइन करता हूं मैं बिल्कुल, काफी लोग मिस्टेक करते हैं कि हमने जो प्राइस दिया उसके बाद ही एंट्री करनी होती, डोंट अर्ली एंट्री, अर्ली एंट्री किया ना तो 50% चांस है आप फंसोगे, 50% चांस है ओके ठीक है, तो डोंट टेक मोर रिस्क। देखिए सर यहाँ पर क्या होता है सर, पता है यहाँ पे सब पैसा कमाना आते हैं और वही सीखना चाहते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ पैसा बचाने से और सेफ। देखो आप कराटे सीखते हो, कुंगफू सीखते हो, वहां पे आपको डिफेंस पहले सिखाया जाएगा, तो क्या नहीं करना वो पहले सीखना है, फिर तो पता चल जाएगा ना क्या करना है सर, बराबर आएगा तो बाद में सर जाएगा, पहले आने की गारंटी नहीं बट जाने की गारंटी पहले बन जाती है अगर आप गलत हो तो। तो ये सारी चीजें सर, तो आप बोलो मैं 10 दिन में सीख जाऊंगा, नहीं है थ्योरी सीख जाओगे सर, प्रैक्टिकल भी तो करना पड़ेगा। और बहुत कम लोग हैं जो जो साथ में सिखाते भी, वो लाइव मार्केट में भी आगे सिखाते हैं। मैं स्टॉक में भी आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करूंगा, आपके सामने सेलेक्ट करूंगा, आपको वही बताऊंगा हमने कैसे सेलेक्ट किया, जो जो सारे मेथड है इंपॉर्टेंट। अच्छा सीखना उतना ही होता है जो काम का है सर, पैसा बनना चाहिए, फिर आलतू फालतू चाहिए जिसका कोई रेलेवेंस नहीं। अभी बहुत सारे टूल्स यूज कर रहे हैं लोग इंट्राडे के लिए, वो टूल्स इंट्राडे के लिए है ही नहीं, कोई टेक्निकल टूल है वो मंथली या वीकली या डेली एनालिसिस के लिए, उसको लोग 15 मिनट में यूज कर रहे हैं तो एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है। तो प्राइस एक्शन भी स्टैंडर्ड है, प्रोफाइल्स हैं जो अल्गोज होते हैं, देखो आपका आपका मुकाबला है ना मशीनों से, आप रिटेल ट्रेडर हैं, बड़े लोग जितने भी बैठे ना वो मशीन्स लगा के बैठे हैं, वो मशीन है ना वीएफ पे बाई भी करती है, वीएफ पे सेल भी कर रही है, ठीक है, कोई मान लो प्रीवियस डे लो पे आके मार्केट होल्ड कर रहा है, अब प्रीवियस डे लो से डिसाइड हो रहा है कि अब नया एक्शन क्या बनेगा, तो हमको एक बार एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है, प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई,
ये सारे लेवल्स पे कहाँ पे अल्गोस काम करते हैं, कहाँ पे मशीन्स काम करती, कौन से पॉइंट पे जाके मार्केट होल्ड करेगा, ये आपको पहले पता रहता है, बिल्कुल पता रहता है हमको. देखो प्रोफाइल्स हो गई, डेल्टा हो गया ऑर्डर फ्लो का, आपके पास ऑप्शन चेन का, तो आपका जो कॉम्बिनेशन जो है हमारी स्ट्रेटेजी का वो इतना स्ट्रांग है ना कि आपको पहले तो गलत एंट्री नहीं लेने देगा. शुरुआत वहीं से होती है कि इस सेटअप ने हमको गलत जगह एंट्री लेने नहीं दिया, यानी कि मेरा वैल्यू एरिया हाई है, मैं कभी भी वैल्यू एरिया हाई पे बाय नहीं करूंगा, मैं सेल करूंगा. देखिए मार्केट मान लो 1000 पॉइंट ऊपर गया और उसमें से आप 60% भी ले पाए ना, मतलब यू आर इन हैविंग अ गुड कंडीशन. यानी 1000 पॉइंट जब मार्केट बढ़ता है और आप 600 पॉइंट की रैली या 700 पॉइंट की रैली एंजॉय करते हो ना, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग. 25 30 50 पॉइंट के लिए सर छोटा मोटा कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख लो, वो सीख जाओगे. काफी लोग मिस्टेक करते हैं, ऑप्शन है उसमें भी स्टॉप लॉस चाहिए, वो भी टाइट, कभी नहीं, सब स्टॉप लॉस में बेचा जाएगा 100% है. तो स्टॉप लॉस की थ्योरी क्या है, देखिए एक तो क्या होता है, आप 5 लाख का माल है वो ले रहे हो 15,000 में, यानी कि काजू को ले लिया आपने मूंगफली के प्राइस में, ऊपर से फिर स्टॉप लॉस चाहिए. ठीक है यार स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वो क्या बेस होगा, स्टॉप लॉस लेवल पे लगता है. अब आप चार्ट देखते हो फ्यूचर या स्पॉट का मान लीजिए, और आप डिसाइड करते हो स्टॉप लॉस अपने डेरिवेटिव यानी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है सी पी जो भी उसके ऊपर, तो आपने देखा तो ये और लगाया उधर, तो क्या लॉजिक होगा, किस तरह से लेना है, तो कौन सा प्राइस एक्शन यूज करेंगे, ये सब चीजें. तो सर आप पैसा कहाँ कहाँ लूज करो ना आप सब जानते हो, तो पहले उसको कैसे प्रिवेंट करना होता है वो जरूरी जानना हमारे लिए. तो यही चीजें हैं सर, तो मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, अगर कोई सवाल पूछेंगे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी. यस सर प्रवीण जी. सर प्रवीण बात कर रहे हैं. यस प्रवीण जी. सर जानना था कि ये वीकली वीवैप कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और कभी कभी क्या होता है ना ओआई पल्स ने दिखाता है सर कि लॉन्ग अनवाइंडिंग अभी चालू होने वाला है दिखा देता है, लेकिन वो मार्केट नीचे ही जाता है. देखिए एक बात बताऊं मैं आपको प्रवीण जी, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो भी बायर चाहिए, पता है आपको. अच्छा. और मार्केट को ऊपर जाना तो भी सेलर चाहिए. अगर ये आपको प्राइस डिस्कवरी जो मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप जुड़ते हैं तो जी. प्राइस डिस्कवरी होती है, प्राइस की डिस्कवरी यानी कि मार्केट को नीचे जाना, यानी आपका 100 रुपीज का एप्पल, अब मार्केट में एप्पल बहुत ज्यादा आ गए और बायर कम है, अब उसको जाना है नीचे, बिल्कुल जाना है, उसकी वैल्यू कम हो रही है. तो somebody is asking कि यस आई एम रेडी टू बाय एट 70 रुपीज, तो आप क्या करेंगे, वो उसको लेके जाएंगे 70 रुपीज पे, तो क्या हुआ, वैल्यू डाउन हुआ. जब वैल्यू डाउन होता है तो मार्केट नीचे जा रहा है. नंबर टू, यू आर हैविंग एप्पल की फेयर वैल्यू है 100 रुपीज, बट एप्पल की वैल्यू 100 रुपीज होने के बाद भी एप्पल 130 में बिक रहा है, यू आर प्लेसिंग आस्किंग टू द 130 बिटलर, ठीक है. तो एप्पल कम है, मार्केट में बायर्स ज्यादा है, तो प्राइस तो है 100 रुपीज फेयर वैल्यू, बट मार्केट अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर चला गया है, ठीक है. बट जैसे ही डिमांड सप्लाई खत्म हो जाएगी ना, उसका रिवर्सल आएगा, मार्केट वापिस अपनी फेयर वैल्यू पे आ जाएगा. अब वो फेयर वैल्यू का लेवल क्या होगा, वो हम कैसे गेज करेंगे, थ्रू प्रोफाइल्स, हम मार्केट प्रोफाइल भी यूज करेंगे, हम वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज करेंगे, और मूवमेंट को कंफर्म करने के लिए डेल्टा, और सेंटिमेंट को कंफर्म को करने के लिए हम देखेंगे ऑप्शन चेन. तो ये सब चीजें जब आप मिलके यूज करना जाएंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और एक स्ट्रॉन्ग सेटअप के साथ आप अच्छी ट्रेड ले पाएंगे. सो दिस इज माय आइडिया. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. सर राजू बटकर सर मैसूर सर. अरे क्या हाल है सीए साहब राजू सर. यस सर. How are you sir? Fine sir. Okay. Fine sir. Sir, option strategies आप कोई option sir live trade sir strategies sir राजू भाई आप I would like to mute first because हाँ भाई sir आपके पास बहुत सारी strategies है buy sell करने की. अगर मान लो the first thing what you need to learn where market will go. जब तक आपको ये मार्केट का पता नहीं मार्केट किधर जाएगा क्या कर रहा है तो आप बाय सेल की स्ट्रेटेजी बाद में आती है सर. अगर आपको पता चलता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप लॉन्ग्स की स्ट्रेटेजी लेते हैं, अगर आपको लगता है मार्केट साइडवेज है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्ले करेंगे, या फिर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है या जाने वाला है, देन आप उस हिसाब से ट्रेड को प्लान करेंगे, शॉर्ट प्ले करेंगे, बियर स्प्रेड बनाएंगे या अकॉर्डिंग टू दैट. तो पहले हमको ये मार्केट के यू नो मूवमेंट को पकड़ना या मार्केट के मूवमेंट्स कहाँ जैसे जाएंगे उनको सीखना जरूरी है.
बाकी बाय सेल करना स्टैंडर्ड लगाना मैंने दे रखा है आपको, पता हो तो मैंने पिछले डेढ़ महीने पहले बोल दिया था कि 41,500 जनवरी मंथ का पीई बाय कर लीजिए 300 रुपीज में। वो 300 से कई बार 600 गया वापस 120 आया, 600 गया 700 गया वापस 120 आया, तो वही बहुत है बिकॉज कभी कभी बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा तो आपको इंजॉय करना है। बट आप मंथली सॉरी आप वीकली करके रहते हो तो वीकली तुरंत लॉस दिखता है, आप एसएल हिट करवाते हो बाहर निकल जाते हो, नहीं मंथली ऑप्शन में ट्रेड करिए और उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे पूरे महीने में मार्केट एक बार यहाँ आएगा, देखो मार्केट यहाँ आएगा सबको पता है बट कितनी बजे आएगा कितनी देर में आएगा ये कहना सबसे मुश्किल काम है। आज आएगा कल आएगा, हमने सोचा तो इस वीक में आएगा बट उसको अगला वीक लग गया, आया पक्का आया, आएगा जरूर बट वो थोड़ा लेट आ गया, तो आपको ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा सर टाइम डीके के हिसाब से। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, मैं 2 महीने पुराना ऑप्शन यानी कि मैं फरवरी मंथली प्लान भी बना लूंगा, मैं उसको हेज करके या कॉल पुट साथ में खरीद के, या मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा वो 70% है तो मैं 2 पुट लूंगा, मुझे लगता है यार मुश्किल से अगर रिवर्स हुआ तो चलो मैं हेजिंग के लिए सेव करने के लिए कॉल भी खरीद लूंगा, तो मैं 70-80% वेटेज टू द माय डाउन साइड, मान लो मार्केट नीचे जा रहा है बट 20% रिस्क है तो मैं उसको हेज कर लूंगा थ्रू कॉल। तो ये ट्रेड प्लान फाइनेंशियल कैसे प्लान बनाना होता है, यानी आपके पास अगर 1,00,000 रुपया है तो कितना पैसा इंडेक्स में लगाएंगे, कितना सेव रिजर्व फंड रखेंगे, कितना कैश में लगाएंगे और एक्यूमुलेशन कहाँ से होगा, यानी आप लॉस में भी आ गए तो वापस आपको ऐड करना है तो कौन सी स्ट्राइक पे ऐड करेंगे ताकि फटाफट हम वापस प्रॉफिट में आ जाएं, ये सब चीजें हैं सर, ये जानना आपके लिए जरूरी है। यस प्लीज एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज। हेलो यस मिस्टर अग्रवाल सर नमस्कार। नमस्कार रिदम सर, मैं इंदौर के पास में रहता हूँ, मतलब अभी 21 ईयर ओल्ड हूँ मतलब। अजी अजी। और सर मैं मतलब एक आध साल से मार्केट में हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ मतलब। और सर मतलब मैंने 1-1.5 साल के अंदर 1-2 लाख रुपए मतलब कोर्स में मतलब स्पेंड करे, मतलब जी SMC हो गया अपना, रिटेल कंसेप्ट हो गया, स्मार्ट मनी, मतलब सब चीजें मतलब सीखने की कोशिश करी है, सीखी भी है पर मतलब उसमें क्या है कि सर अर्निंग हो नहीं पा रही है एंड मतलब क्या है कि लॉस भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, ब्रेक इवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर मतलब बाकी मुझे सर जैसे अपने ये एक चैनल है अपना टेलीग्राम पे ऑर्डर फ्लो करके संतोष सर का, उसमें सर क्या है जी जी उसमें क्या है कि मैं 5-8 महीने से मतलब जुड़ा हुआ हूँ, तो वहीं से मतलब मैंने थोड़ी बहुत डिस्कशन पढ़ी थी तो आप मतलब वहीं से मेटावर्स भी मैंने मतलब जो फ्री ग्रुप है उसमें भी मतलब 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ कर रहा हूँ। तो सर मतलब मुझे मेनली बेसिकली ये है कि जैसे ऑर्डर फ्लो है मतलब डेल्टा चार्ट्स हैं, इम्बेलेंस चार्ट्स हैं, फुटप्रिंट चार्ट्स हैं, तो इसको क्या है कि प्रॉपरली रीड करना सीखना, मतलब आप समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करा जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल सही अग्रवाल जी, आपने सही बोला है कि चीजें दिख रही हैं, समझ में भी आने की कोशिश कर रहे हैं बट क्या है कि देखो मैंने क्या बताया रिदम भाई कि टाइम देना पड़ेगा और उनसे सीखना पड़ेगा जो इसको पूरी तरह से जानते हैं। संतोष जी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, इज मास्टर ऑफ ट्रेड, वो थोड़ा इंग्लिश वाले हैं तो हो सकता है। देखो कई बार क्या होता है कि भाई एक बुक को पढ़ाने वाला कोई दूसरा है कोई तीसरा है तो सबका अलग अलग टेस्ट है, सबका अलग अलग स्टाइल है, सभी अच्छे हैं, जहां से आपने कोर्स किया होगा उन्होंने भी बहुत अच्छा कोर्स किया होगा, आपने बिल्कुल उनसे अच्छा ही सीखा होगा, फिर डिपेंड करता है कि आप कितना उस पर प्रैक्टिस करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं डिसिप्लिन के साथ और रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते करते थोड़ा सा एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। बट आपको फिर ये भी देखना है कि मैं फिर जो मेरी फिक्स है उन्हीं चीजों पर काम करूं, बार बार मैं अपने सेटअप को चेंज करूं, मैं मुझे लगा यार इनका अच्छा लग रहा है मैं उधर चला गया इधर चला गया, तो वो डिस्ट्रैक्शन आपको एक जगह बैठना नहीं देगा। तो पहला मैं सजेशन आपको ये दूंगा कि आप अगर कोई भी स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं तो उसको पूरा अंदर घुस के सीखिए और उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, फिर आप देखिए कितने कमाल के रिजल्ट आएंगे। ये मेरा पूरा पक्का है कि आप पकड़ के रखिए सेटअप को, जैसे हमने इंट्राडे का सेटअप बना रखा है, मेरा इंट्राडे सेटअप अलग रहेगा, मैं थोड़ा स्विंग का सेटअप अलग बनूंगा, तो जैसे कि मेरा जोनर एम आई स्कैल्पर, एम आई इंट्राडे ट्रेडर, एम आई स्विंग, एम आई होल्डर पोजिशनल, तो कौन से जोनर को कौन से तरह के टूल यूज करके ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर मैं स्विंग यूज करूंगा तो मेरे रूल्स और टूल्स अलग होंगे, मैं स्कैल्पिंग करूंगा तो मेरे रूल्स और टूल्स वो सारे अलग होंगे। आप जी होता ना कि एक नाइफ होता है उससे सब्जी काटी जा सकती है, एक नाइफ से क्या काटा, मतलब नो टूल्स आर डिफरेंट डिफरेंट, तो कौन सा टूल कहाँ यूज करना है, कौन सी चीज को कैसे देखना है और इन डेप्थ, आपके पास जितने सवाल आएंगे आपको 1 बजे पूछोगे जवाब आ जाएगा, ये सब सीखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अंदर जाके सीखना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पूजा मैम से बात कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर योर। मेरे साथ प्रॉब्लम सर ये आ रही है, जैसे सेटअप पे मतलब क्या है कि चार्ट के हिसाब से एंट्री मिल जाती है पर मतलब मैं बहुत बार क्या सर एंट्री लेके या तो मिनिमम ब्रेक इवन पे निकल जाता हूँ या स्मॉल एसएल में निकल जाता हूँ,
देखिए ऐसा है कि मैं बता दूं कि आप एंट्री का प्लान बनाते हो तो साथ में एग्जिट का प्लान भी बनता है। देखिए आप है ना 5 मिनट में एंट्री ट्रेड में घुसना है, आपका एंट्री के साथ एग्जिट भी डिसाइड होना चाहिए तभी, वरना क्या होता है कई बार प्रॉफिट से लॉस 2 मिनट लगता है। जैसे मैं बताऊं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने यहां से लॉन्ग लिया बिल्कुल, बट मुझे मैंने आपको शायद बोला भी था कि वीवेप पे बाय करना है और सेल करना है, वीवेप पे निकल जाना, प्राइस वीवेप के ऊपर नहीं गया पूरे दिन मैं देख रहा हूँ। अच्छा मुझे कैसे पता चला, 2-3 रीजन है, मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव था, ऑप्शन चेन चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी मार्केट में नए लॉन्ग्स नहीं आ रहे, तो मार्केट हमेशा वीएफ से रिट्रेस होकर नीचे जाता है। आप देखेंगे देखिए मार्केट पूरा दिन, ये 30 मिनट का चार्ट है, इवन 5 मिनट पे वीएफ के नीचे दिखेगा आपको, प्राइस वीएफ पे आई नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है आने की, तो वीएफ पे आता है तो फिर शॉर्ट मारो। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस और मेरे साथ लाइव मार्केट में सीखने को अच्छी तरह से मिल पाएगी। तो एंट्री एग्जिट देखो, एंट्री प्लान कर लीजिए, एंट्री आप बोल रहे हो अच्छी हो रही है, तो दिक्कत ये हो सकती है आपका एग्जिट बराबर नहीं है, ये हो सकता है। मेरे साथ सर ये आ रहा है कि मतलब जो ट्रेड लेने के बाद उसको होल्ड करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखिए एक बात बताऊं सर मैं आपको जी, आप गाड़ी चलाना जानते हो जी, पहली बार जब गाड़ी चली थी तो क्या आप 300 किलोमीटर राइड किए होंगे? नहीं नहीं। पहली बार जब आपने कार चली होगी तो क्या आपने 80-90-100 की स्पीड पे चली होगी? नहीं नहीं सर। ठीक है, आज आप सीख चुके हो गाड़ी को जी, आप 12 घंटा लगातार गाड़ी चला सकते हो? कोशिश कर, हाँ मतलब कॉन्फिडेंस है जी। आप 70-80 पे भी चला सकते हो, अच्छा रोड मिलेगा तो जी। तो आप समझ गए मेरे आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया आपको जी। आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे मार्केट रिट्रेस कर सकता है, मार्केट के वो कौन से कहाँ पे अल्गोस बैठे हुए हैं, कहाँ पे मुझे डेटा क्या बता रहा है। पिछले 9 दिन का जो मेरा डेटा का एवरेज मैं निकालता हूँ, मैं सुबह 10 बजे पता चल जाता कि आज मार्केट में तबाही मचेगी, ये मेरे को नहीं पता, आप मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी में आके देख सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा आज मार्केट में मतलब बवाल मचने वाला है। तो मार्केट पहले से दिखा सकता है, तो अगर आपको पता होता है कि बैंक निफ्टी आज 500 पॉइंट टूट सकता है तो आप 50 पॉइंट में निकल जाओगे? नहीं, पूरे लेके जाएंगे। सही, अब होगा क्या कि गलती क्या हो सकती है, आप घुस गए चलो 500 पॉइंट लेने के लिए पर आपका ऐसा लेट हो गया, तो घुसना कहाँ है, कहाँ क्या हम वहां पे एंट्री करें, क्या मैं यहाँ पे एंट्री करूँ इस एरिया के आसपास, यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मेरे को यहाँ पूरा राइड मिल रहा है, मेरा वैल्यू एरिया हाई से लो का ट्रैवल किया मैंने, मेरा टारगेट हो गया वापस, मैंने वैल्यू एरिया से लो से बाय किया और वीएफ पे मैंने एग्जिट किया, मतलब आपको एक इधर की ट्रेड मिल गई बहुत है। मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूँ 30 मिनट, मोस्टली 30 मिनट, 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे कभी कोई आदमी अपने आप को महारत ही नहीं बना पाया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खूब सर्वे भी करवा लिए हैं, मेरे पास बड़े बड़े फीडबैक हैं, मैं तो कॉन्फिडेंस से बोलूँ कि 5 मिनट पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो नए हो फ्रेशर हो सीख रहे हो तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम आपको ज्यादा सुकून देगा, तो बड़े टाइम फ्रेम में डर भी लगता है, स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, तो आपको डर किससे लग सकता है, स्टॉप लॉस से लग सकता है, रिवर्सल से लग सकता है, तो आपको पता चल जाएगा पहले से कि यहाँ नहीं घुसना है तो कहाँ दिक्कत है, रिवर्सल आने के बाद ही घुसेंगे हम, सेल ऑन राइज तो वेट करेंगे हम कि वो सेल ऑन राइज का जो लेवल है, अब सेल ऑन राइज का कहाँ से सेल करेंगे हम, सेल ऑन राइज तो सब बोलते हैं भाई, सेल कर से करना कहाँ से, वो लेवल कहाँ आएगा, वो लेवल पता होना चाहिए, या फिर बाय ऑन डिप, अब वो डिप क्या है, वो डिप का लेवल क्या है, वो डिप कहाँ मिलेगा, अगर वो पता चल जाता कि हाँ ये ही डिप है तो आप वहां पे एंट्री करेंगे, लेवल से छोटा सा स्टॉप लॉस लगता है, स्टॉप लॉस हिट होने के लिए होने नहीं चाहिए, आप स्टॉप लॉस के एरिया पे आके प्लान करो ट्रेड को कि मेरा स्टॉप लॉस एरिया ये, यहाँ पे आया मैं एंट्री करता हूँ, ब्रेकआउट आया है मान लो मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट टिकेगा सस्टेन करेगा या वापस रिवर्सल आएगा, ये आपको पहले पता चल जाए ना, जैसा कि हम डेल्टा से पता लगा लेते हैं, ये ब्रेकआउट फर्जी है, ये ऊपर तो जा रहा है बट वो होल्ड नहीं करेगा, मजा आ जाएगा आपको तो, और वापिस अगर ये रिवर्स हुआ तो कहां पे जाके टिकेगा, मुझे पता चला मार्केट यहाँ पहुंचा है बट ये फेल होने वाला है, वापिस वीएफ पे आएगा, ये वीएफ का साइज फ्लैट है, वीएफ का जो मैं लेवल देखता हूँ उससे पता चल जाएगा कि वीएफ फ्लैट है, मार्केट में कोई बायर सेलर एक्टिव नहीं है, फिर भी मार्केट में ऊपर भग गया ये, तो कोई बाहर निकल रहा है, कोई पता नहीं क्या हो रहा है, वापिस ये नीचे आएगा, यही तो मजा आता है सर, इसी का तो मजा है इस ट्रेड में कि आपको रिवर्सल पकड़ में आ जाए, टाइम पे लेवल पता चल जाए, 2-3 महीना लगता है ट्रिक प्रैक्टिस करने में, रातों रात कुछ नहीं मिलेगा इसमें। हाँ थोड़ा सर क्या कि क्रूड में भी मतलब कोशिश करी थी पर उसमें मतलब आया नहीं, तो उसमें भी मेनली शाम को क्रूड ना करने के लिए। देखिए बात क्रूड की नहीं है, अगर गाड़ी चलाना ही नहीं आती तो कार हो या बस हो या ट्रक हो पता ही नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रूड हो अगर आपको सेटअप अच्छा है, ट्रेडिंग करना आ गई सीख गए, आप क्रूड करिए, सिल्वर करिए, गोल्ड करिए, निफ्टी बैंक जो चाहे आप कर सकते हैं।
ओके सर, ओके थैंक यू। नो हाउ, ट्रेडिंग का नो हाउ पता है, फिर आप कुछ भी करिए ना, कहाँ दिक्कत है, आप जो आपको चार्ट दिखता है जहां पे आप जाके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। यस प्लीज, थैंक यू रिदम जी, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, एंड अगर और भी क्वेश्चंस है सो आई वुड लव टू हैव सम मोर क्वेश्चन बिकॉज आई विल क्लोज इन नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स, सो प्लीज कोई क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर, कृष्णा सर, कैन आई आस्क समथिंग? हाय, गुड आफ्टरनून, आई थिंक दो, यस प्लीज आप बोलिए मेरे ख्याल से। यस यस मिस्टर कृष्णा, यस मिस्टर कृष्णा, यस कृष्णा जी प्लीज सर। सर आई एम नॉट, एबल टू लिसन योर वॉइस प्रॉपर्ली। निफ्टी 50, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में सर, एफएनडो के निफ्टी 50 के एफएनडो में इंट्राडे मुझे करना था, तो उसके लिए क्या योर स्ट्रेटजी यूज करेंगे सर? देखिए मेरे है ना दो तीन वीडियोस हैं इसके अंदर, ट्रेड करेंगे तो बहुत वोलेटाइल रहता है सर, कभी ऊपर अटक देता है कभी। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने है ना तीन स्ट्रेटजीज बना रखी है, साथ में सेटअप भी है, स्कैनर भी है। मेरे पुराने वीडियोस में आप जाएंगे, लगभग इनिशियल जो वीडियोस बने मेरे, उसमें दो स्कैनर्स के मैंने वीडियो बना रखे, कैंडल पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना है, और बॉलिंजर बैंड के साथ मैंने एक स्ट्रेटजी बना रखी, लाइव मार्केट में स्टॉक को फाइंड करना, यानी कि स्कैनर भी बॉलिंजर बैंड का लगा दिया और मैंने इंडिकेटर भी बॉलिंजर लगा दिया, उससे कर सकते हो। बट ये मैं बताऊं ना, सबसे अच्छे टूल्स मानता हूँ मार्केट में, जैसे प्रोफाइल्स हो गए, लंबे ट्रेड लेने ना, तो आपको इंस्टीट्यूशनल के जो टूल्स हैं, इंस्टीट्यूशनल जो बिहेवियर करते हैं, अल्गोस जहां पे बिहेवियर करते हैं, अल्गो कहाँ एक्टिव होते हैं, साथ में आस्क बिड क्या चल रहा है, और सी कौन सी चीजें हैं जो मुझे कंफर्म कर रही है कि यार मार्केट में भी बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है, तो मुझे वो टूल्स मेरे को ज्यादा हेल्प करेंगे बड़े मुंह दिलवाने के लिए। और मैं चाहता हूँ 10 ट्रेड करें हम, बजाय ना हम दो ट्रेड ही करें और ज्यादा अच्छे ट्रेड हो, तो मैं कौन से वो टूल्स यूज कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाए कि बड़े ऑर्डर्स मार्केट में आने लगे हैं, बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं और मार्केट में बड़ा मतलब डेटा बन रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छा है ना कि भाई बड़े लोग जो करना चाहते हैं, मतलब कोई बड़ा इंस्टीट्यूट आ गया है मार्केट में, या बाय करने आता है या सेल करने आता है, वॉट एवर, तो मैं उसके साथ ही एंट्री कर लूँ तो मुझे अच्छा काम होगा मेरा, मेरे को अच्छी गुंजाइश है पैसे मिलने की। तो मैंने जैसे बताया ना कि मार्केट जितना भी गया है उसका अगर 60-70% भी आप ले लेते हो, यानी कि बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर गया है, उसका 60-50-70% भी आपने कैप्चर किया, यू आर गुड ट्रेडर। हाँ, आप अगर होल्ड कर रहे हो तो आप पूरा 100% मूव कर सकते हो कि भैया मैंने आज ये लिया है और मैं इस तारीख को बाहर निकालूंगा, तो बात अलग है। बट इंट्राडे में आपका अगर इतना बड़ा मूव है और आपने अगर उसका 70-60% के आसपास भी कैप्चर करना कोशिश चालू कर दिया, तो वो आप जानने के लिए आपको पहले मार्केट के डेटा के साथ आपको मार्केट के लेवल के रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। सो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं डेटा को देखने के, मैं बहुत सारी चीजें देख सकता हूँ, मैं ऑर्डर्स भी देख पाऊंगा, मुझे बड़े ऑर्डर लग रहे हैं इंस्टीट्यूशन के तो दिख रहे हैं, सो स्कैल्पिंग तो बहुत ईजी है, स्कैल्पिंग मतलब ये 150 पॉइंट तो मैं बात भी नहीं करूंगा उसके लिए, वो तो मेरे फ्री वीडियो देख के भी कर लो, वो तो मजाक में मिलेंगे आपको। ओके, और बिल्कुल चिंता ही मत करो, ये 150 पॉइंट के लिए मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, वेरी फ्रेंकली। इंट्राडे के स्टॉक्स में टाइम फ्रेम क्या देखना है सर? डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड टू ऑलवेज यूज 15 मिनट एंड अबव, 5 मिनट 3 मिनट वो आपका बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आ चुका है तो ही जाइए, नहीं है तो प्लीज आप 15 मिनट से नीचे मत जाओ, बहुत है इतना। और मूविंग एवरेज के नीचे वगैरह वो भी इंडिकेटर से हम थोड़ा बहुत, देखिए आप कोई भी इंडिकेटर यूज करिए, एक तो वीवैप जरूर लगाइए अगर स्पॉट का देख रहे हैं, फ्यूचर का देख रहे हैं, स्पॉट पे वीएफ लगाने देगा नहीं, बट मेरा एक इंडिकेटर है, मैंने उसका वीडियो बना रखा है, मैं अभी होगा तो मेरा टेलीग्राम में डाल दूंगा, वो आप जरूर लगाइए। तो दिखता है उसमें, तो वीएफ सब पे दिखता है सर, वेटेड वॉल्यूम प्राइस। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं आपको वीएफ की थ्योरी समझा देता हूँ, थोड़ा सा छोटा मोटा वीएफ का प्राइस है, वीएफ फ्लैट है, मतलब मार्केट की फेयर वैल्यू फ्रीज है, अभी मार्केट वापस वीएफ पे आकर टाइम पास करेगा, अब उसके बाद नया बायर या सेलर जो भी एक्टिव होगा वो प्राइस को आगे पीछे करेगा, तो वीएफ के मूवमेंट से पता चल जाएगा। यानी कि मैंने सुबह से देखा था, मैंने ये देखा था बैंक निफ्टी का मॉर्निंग टाइम में वीएफ ऊपर चल रहा था, फिर धीरे धीरे वीएफ अपने प्राइस से नीचे आया, मतलब मार्केट की फेयर वैल्यू डाउन होती जा रही है, साथ में डेटा भी नेगेटिव हो रहा है, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में सेलर एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे मार्केट में, तो बायर का इंटरेस्ट कैसे देखा जाएगा ऑप्शन चेन पे, सेलर का इंटरेस्ट कैसे देखा जाएगा और क्या लेवल पे क्या देखना है, यही आपको सीखना है, चाहे स्टॉक हो इंडेक्स हो सब पे एक जैसा काम करता है, फुट रेजिस्टेंस की तरह भी कभी कभी काम करता है वो हिट, बिल्कुल। बट खाली वीएफ से कुछ नहीं होगा ना सर, वीएफ पे प्राइस आ गया तो क्या हमको पहले से पता होता कि वीएफ पे प्राइस आने वाला है? मुझे पहले से पता चल जाएगी प्राइस अब वीएफ पे आएगा, यस पता कर सकते हैं अपन, तो मजा आएगा ना सर, नीचे से ऊपर आ रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, पहले से पता चल जाएगा प्राइस पक्का वीएफ पे आने वाला है,
यही मजा आता है और यही पे ट्रेड बनता है। लो आप मेरे पास, मेरे ख्याल से मेरे काफी मेंबर्स है बड़ी क्वांटिटी में अपना काम, एक ट्रेड एक या दो ट्रेड करके क्लोज खत्म। और जनरली मैं शाम को क्रूड ऑयल भी ज्यादा करता हूँ, और मैं मेरी लाइव क्लास में क्रूड ऑयल के लाइव चार्ट वगैरह और जैसे ऑर्डर फ्लो की जो लर्निंग्स होती है शाम को वो तो मैं क्रूड पे करवाता हूँ। मॉर्निंग में भी होती है तो इवनिंग में भी होती है, तो मैं क्रूड पे लाइव चार्ट दिखा के उनको टेस्ट करता हूँ। स्ट्रेटेजी चाहिए आपको मस्त वाली, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइस खत्म। बाय किधर है, सेल डिप किधर है और सेल का राइस किधर है, इतना पता कर लो बहुत है। देखो ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे वीडियोस बने हुए वहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं कोई मोनोपोलिस्टिक चीज बात कर रहा हूँ, मैंने हर चीज का वीडियो बना के डाल रखे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ ऐसी चीजें छुपा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं ओपनली सबके सामने शेयर करता हूँ अपना, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले की मेहरबानी है, अपना ट्रेडिंग से बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, इसके प्रूफ तो आप ग्रुप में देखते हो और मेरे स्टूडेंट्स भी जानते हैं। मैं आपको सिखाऊं ना मुझे ज्यादा खुशी होगी इसमें। और एक सर, ये वॉल्यूम प्रोफाइल जब जूम आउट और जूम इन करते हैं थोड़ा वो चेंज होता है, पीओसी लेवल चेंज होता है सर वहां। देखिए मैंने कहा ना लास्ट लेग वीडियो बना के डाल रखा है, आप है ना पहले तो वो सीखो, कौन सा फिक्स रेंज वाली वॉल्यूम प्रोफाइल लगाना सीखो। और आप जूम आउट करते हैं, देखिए आप जूम आउट जूम इन करेंगे तो थोड़ा आपको ये प्रैक्टिस करिए आ जाएगा, इट्स नॉट बिग थिंग। अब जैसे मान लीजिए आपको देखना क्या है, ये जो लास्ट वैल्यू है ना एक्स की, यहाँ पे आप देख लीजिए कि मुझे कौन सी तारीख से देखना है, यानी मुझे सिर्फ प्रीवियस डे देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लेके आया, ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, मैंने फर्स्ट कैंडल यहाँ लगा दी, बस उसके पीछे का हिस्सा वो चला गया, अब मेरे पास ये आ गया, बस ये मेरा पूरा आ गया पूरा वो, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का लेवल निकल गया। मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, वी कितने दिन का देखना है सर वॉल्यूम प्रोफाइल? एक दिन। अब सर वो उसमें बहुत लंबा समय थोड़ा सीखना पड़ेगा, आप चाहो तो एक दिन का देख सकते हो, आप चाहो तो 15 मिनट का, आप चाहो तो वीकली। मैं आज कुछ एनालिसिस भेजने वाला हूँ, मैंने एक आपको लिंक भी दिया है अभी जस्ट टेलीग्राम में, वीकली वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज करें, चाहो तो आप उसको 15 मिनट पे भी यूज कर सकते हो, आपको वो पीओसीज दिखा देगा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। तो मैंने लिंक डाला है, आई थिंक लिंक डालते ही मैंने मीटिंग चालू करी, तो यू कैन चेक दिस लिंक इन साइड, ठीक है। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस क्वेश्चंस। और बिल्कुल सर आगे कृष्णा जी एंड काफी हैंड रेज हुए, सो वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम टू क्लोज, यू नो बी प्लीज अगले 12-15 मिनट में अपन कुछ बात कर पाए तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। मिस्टर पुलिता कुतिया, यस सर, मिस्टर नरसिम्हा जी, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू योर ट्रेनिंग सर। यस सर। सर एक्चुअली आई थिंक योर फिक्स्ड फीस 45,000। Yeah, for that, can we make the payment in installments, sir? Is that possible? Sir, you can go with the credit card facility and you can talk to Pooja ma'am. She will explain you after this meeting. So, yeah, in fact, this is going to record. So, I don't want to discuss on fees and all. You can take my number from Pooja ma'am and you can send me a message. I will. One more question is, what you said for 30 minutes time frame, suppose people who are not using this volume profile as well as the order flow, main indicator VWAP is enough or some other indicator is to be added? Sir, if you use VWAP and use pivot point Fibonacci, which is in levels, and that's good enough, use in 15 minutes. I also made one video on Fibonacci pivot points. So you can use pivot points and VWAP, put some moving average, that's good enough. Moving average 20 days and 200 days usually I keep the... It's okay. Any moving average can help you. But do not forget to mention VWAP. VWAP ko aapko, VWAP ke bina trade karna aparad hai. And usually I follow 30 minutes only, sir, most of the time. Sir, aapka target kya hai, sir? Pehle to batao. How much point you want? I usually prefer 25, 40, 60, 80, like that. Sir, that depends upon the trend. सर साइडवेज मार्केट में भी, साइडवेज मार्केट में भी आपको अच्छे खासे 100-150-200 पॉइंट मिल जाए तो क्या मजा नहीं आएगा सर आपको? वो 70% साइडवेज है, इंडेक्स तो कभी अभी 2 दिन से ट्रेंडिंग है, सो जाएगा वापस, अभी ये मार्केट में करेक्शन आएगा फिर सो जाएगा 15-20 दिन के लिए, तो क्या करोगे सर आप? तो बड़ी देखो सी, यू हैव टू लर्न रेंज प्ले, जब तक पूरी रेंज को प्ले करना नहीं आएगा ना बड़ा पैसा नहीं बनेगा सर। ये 25-30 पॉइंट मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे मिल भी रहे बट कोई भी आप है ना अपने उस लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे, आपको रेंज प्ले करना आना पड़ेगा। और मार्केट साइडवेज है तो ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट के लेवल्स क्या होंगे, ब्रेकआउट हुआ तो फेक है या जेन्यून है वो भी पता करना चाहिए। okay. आप सोचते हो 50 पॉइंट मुझे रोज मिल जाए मैं करोड़पति बन जाऊंगा, फिर भी कहीं ना कहीं फंसोगे। 50-100 पॉइंट तो मैं ऐसे मजाक में दिलवा दूंगा सर, आप जाके पूछ लो किसी से भी यार, वो तो ऐसे ही मिल जाएंगे।
वो बड़ी बात नहीं है। क्या बैंक निफ्टी 500 पॉइंट या 400 पॉइंट चल रहा है तो मैं 200-300 की बात क्यों नहीं करूं? व्हाई व्हाई मेरा क्वेश्चन है, आप जो भेजता है ना सर टेलीग्राम में कम से कम 5 से 10 कॉल भेज रहे हैं, लेकिन वो तुरंत आ जाएगा सर, वो सब स्टॉक में काम करने को नहीं होगा सर, वो ऐसे सी सी यू आर गोइंग टू जॉइन अ बुफे इंडियन चाइनीज इटालियन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल, आप क्या करते हो जो आपको पसंद आता है साउथ इंडियन आया आपने वो खाया। मेरा काम क्या है सर, मुझे जो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब आपको लेनी नहीं लेनी, टेक बिफोर यू आर टेकिंग चेक योर रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपको रिस्क मैनेज कर सकते हो, ये रिस्क आपको मंजूर है तो एंट्री करिए, तो टेक 2 or 3 ट्रेड पूरा, तो मेरा तो चलता रहेगा सर, यू नो वी आर प्रोफेशनली, हम देते रहेंगे आपको वही लो जो आपको अच्छा लगता है, एक इंडेक्स का ले लिया, एक स्टॉक का ले लिया, खत्म, 2 ट्रेड करो अच्छा करो और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, रोज नया ट्रेड मिल रहा है सर। नहीं मेरा क्वेश्चन और है क्या है कि अभी वो ट्रेनिंग होने के बाद वो स्कैनर हमको हम भी देख रन कर सकते सर, आपको वो हर चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। ओके सर, मैं सर बता रहा हूँ ये अगर ट्रेनिंग आप करते हो ये लास्ट होगी आपकी लाइफ की, इसके बाद कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और नहीं सर मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है सर, लेकिन ये इंट्राडे में थोड़ा तकलीफ है, इसके वो ऑर्डर फ्लो से खत्म हो जाएगा सर। इंट्राडे है ना थोड़ा हार्डेस्ट होता है, इंट्राडे ऑलवेज हार्ड, थोड़ा हार्ड होता है, वहाँ पे एक्शंस वगैरह होते हैं, तो मैंने क्या बताया सर स्कैल्पिंग के इंट्राडे के स्विंग के सबके रूल्स और टूल्स अलग अलग होते हैं सर, करेक्ट, ठीक है ना। आप फिजिशियन के पास जाते हो तो वो स्टेथोस्कोप लगा के चेक करेगा, सर्जन के पास जाओगे तो वो चक्कू लेके बैठ जाएगा आपके सामने, वो सब अलग अलग है इसलिए आ रहा है सर, आप ऑर्डर फ्लो और इसमें एक्सपर्ट है इसलिए। अरे सर मैं तो बिना ऑर्डर फ्लो के ट्रेडिंग करना सिखा दूंगा, और बोलो ऑर्डर फ्लो तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें सर, साइकोलॉजी कैसे काम करेगी और बहुत सारी चीजें सर, बहुत सारी आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा। हाँ 5% ये भी है कि आप गलत पड़ गए तो हमारे नुकसान तो बहुत छोटे होने चाहिए, बड़े लॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट रोज चाहिए और कभी कभी जैकपॉट प्रॉफिट भी चाहिए, इसको मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे सर। ओह वी कैन गिव ए एप्पल एग्जांपल फॉर दैट सर। यस 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 आई कैन शेयर दैट एप्पल एग्जांपल। सपोज आई टोल्ड ना मार्केट इज हैविंग ए प्राइस डिस्कवरी, मार्केट डिसाइडिंग फेयर वैल्यू ऑन इंट्राडे बेसिस, ऑन वीकली बेसिस आल्सो, इफ यू सी द करंट सिचुएशन मार्केट ट्रैवलिंग बिलो द वीकली वीवैप, दैट मींस मार्केट में अभी बायर्स कम है सेलर ज्यादा है, तो फेयर वैल्यू इज डिक्रीजिंग, वंस मार्केट टचेस एनी सपोर्ट या सम इंपॉर्टेंट सपोर्ट देन मार्केट स्टार्टेड न्यू फ्रेश बाइंग, सो व्हाट कुड बी द मोर, यू नो अगर मेरा वीकली वेव वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सो आई कैन थिंक दैट यस मार्केट इज नाउ करेक्टिंग, जस्ट लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द चार्ट, सी दिस इज अ वीकली वेव, आपको शायद समझ काफी लोगों को नहीं आएगा, जिसको मार्केट प्रोफाइल आती है उनको शायद ही आएगा, तो मेरा वैल्यू या हाई पे मार्केट आया यहाँ से करेक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट टारगेट वीवेप पे आएगा या सॉरी पीओसी पे आएगा, उसके बाद वी कैन डिसाइड, या तो मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया तो यू कैन सी 39,000-40,000 के आसपास का लेवल वेरी सून इन बैंक निफ्टी, बट कौन सी तारीख को आएगा कितने बजे आएगा ये टाइम ही बताएगा, बट अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ है विच इज 41,500 आप लिख लो, आज आप मीटिंग करो मेरे साथ, तारीख देख लो आप 8 तारीख को यू आर टॉकिंग विद मी इन 8 जैन, हम वापस बात करेंगे इस पर, वो ये होता ही है, मैंने यहाँ पे बोला था, मैंने यहाँ पे पुट भी दे रखा था, पुट ले लो ये टारगेट आपका आएगा, मैंने फ्राइडे 10 बजे मेरे ग्रुप में डाला था कि आज का टारगेट है 42,000, बिल्कुल 42,000 आया, तो आपको क्लियर पता चलता है मार्केट के अल्गोस क्या काम करें, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर्स क्या है, कहाँ पे वो बाइक करेंगे, किधर सेल करेंगे, ठीक है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट टर्निंग ये सब चीजें आपको पता चल जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आप 20-25 पॉइंट के लिए आते हो मिल भी जाते हैं बट वो होल्ड नहीं करते हो, ऐसे लेट हो जाता है, ये सब भसड़ मचती है ना मार्केट में, यहाँ पे ज्यादा पैसा लॉस करते हैं लोग। यस सर, तो आई थिंक आज के क्वेश्चन आंसर अच्छे रहे, उसके बाद में अगर इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग टॉक टू पूजा मैम, शी विल सेंड यू सम डिटेल्स, एंड थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। यस टेलीग्राम में रहना, मैं रात को कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस दूंगा, वीकली एनालिसिस, लेवल नोट करके रखिए, वो लेवल आते हैं तो बिल्कुल आप जरूर उसको ध्यान में रखिए, अगर आप बिजी हैं जॉब पे हैं तो लेवल का अलार्म लगा दीजिए ट्रेडिंग व्यू पे कि मुझे ये लेवल पे कोई चीज आती है तो वो अलार्म देगा, यानी थ्रू SMS थ्रू ईमेल, मैंने इस पे भी काफी वीडियोस बनाए, मैं चाहूंगा तो एक वीडियो और बना दूंगा कि अलार्म वगैरह कैसे लगाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जस्ट रैंडम एग्जाम्पल,
you select as per you. Suppose this is a Nifty and I would like to check Nifty at suppose I'm thinking Nifty agar yahan pe aa gaya maan lo suppose I'm just waiting to Nifty 18109 suppose example maine add alert lagaya double click karunga diye aa jayega suppose I want Nifty at 18000 maine yahan pe 18000 plan kar diya I plotted 18000 here एंड मैं प्लान कर सकता हूँ कि आई वॉन्ट टू गो लॉन्ग शॉर्ट वट एवर यू आर प्लानिंग एंड एनी थिंग यू डिसाइड माई टारगेट माई स्टॉप लॉस एंड सेव इट उसके बाद यू कैन सी द नेट आपको एप्लीकेशन है मोबाइल पे वहाँ दिखेगा पॉपअप आ जाएगा ईमेल आ जाएगा आप कितने सेकंड तक बजना चाहिए घंटी वंटी वो सब दिखाएगा सेव कर दो अब छोड़ दो लग जाओ अपने जॉब पे जितनी बजे पे निफ्टी यहाँ पे आएगा ना आपको अलार्म बजेगा देन ट्रेड तो आज की तारीख में बहुत चीजें आसान होगी थ्रू एल्गोरिदम्स थ्रू टेक्निकल टूल्स यूज करो यार सीखो उसको हेलो सर यस सर मेरा क्वेश्चन है फॉरेक्स के लिए कुछ है क्या सर सर जो मैं आपको सेटअप दूंगा वो फॉरेक्स सब पे काम करेगा बिल्कुल अच्छा हाँ। मैं ऑप्शन में था लॉस हुआ तो छोड़ दिया क्योंकि सर फॉरेक्स कम्युनिटी निफ्टी बैंक निफ्टी सभी आ जाएगा सर मैं कम्युनिटी में आपको अच्छा दो चीज स्ट्रेटजी बता दूंगा मैं आपको नेचुरल गैस के रोज 5 से 10 पॉइंट मजाक मजाक में ऐसे आसानी से दिखा दूंगा एक दो स्ट्रेटजी है वो भी दिखा दूंगा मैं आपको अच्छा हो जाएगा अरे मैं दिखा दूंगा कुछ कंफर्मेशन वाले पॉइंट वाले स्ट्रेटजीज में ऐसे दिखा दूंगा मिलेंगे मिलेंगे रोज मिलेंगे अच्छा जो करेंसी पे होते हो फॉरेक्स में देखो अभी का टाइम है ना आज की तारीख में मैं फॉरेक्स ट्रेड नहीं करता हूँ बिकॉज डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है सारा जो मार्केट है वो रेंज बाउंड है अभी मजा आएगा एनर्जी में आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी में आ रहा है तो जिधर मूवमेंट है उधर चले जाओ ओके सर देखिए आपके पास सेटअप है आपको स्ट्रेटजी पता है जहां जाओ निफ्टी बैंक निफ्टी टाटा मोटर विप्रो एक्स वाई जेड रिलायंस एचडीएफसी क्रूड ऑयल नेचुरल गैस यूरो यूएसडी ठीक है गोल्ड यूएसडी सेटअप को समझो पहले सेटअप काम कर रहा है इसको समझ लो आप पहले ओके सर थैंक यू सर चलिए थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी आई विश यू ऑल द बेस्ट टेलीग्राम में बने रहिए हमारे मैं आपको अच्छी चीजें देता रहता हूँ मैं आपको फ्री ट्रेड भी बहुत सारी दे रहा हूँ कुछ ना कुछ और अच्छे एक दो चार ट्रेड डालता हूँ फ्री में मेरा पूरा यही रहता है कि मेरे जो मेंबर्स हैं सभी पैसा बनाए खुश रहें और अच्छा काम करें सीखते रहे क्वेश्चन था सर ये ऑफिस जो लोग जाते हैं सर वो मैंने लौटने में 9:30 बज जाता है तो आपका क्लास कितने बजे 9:30 एवरी डे कितना दूर चलेगा सर 2 घंटा 3 घंटा मूड माहौल पे सर रिकॉर्डिंग मिल जाती है उसकी और सर डेली जो सर क्लास होगा लाइव वो सर लाइव में सम टाइम आई एम रिकॉर्डिंग कुछ स्पेशल दिखाना है तो अब वो लाइव मार्केट में 2-3-4 घंटा बैठ गए तो उसकी क्या रिकॉर्डिंग से कंफ्यूज हो जाओगे तो बेटर लाइव मार्केट में सर आप खुद आइए देखिए जब तक खुद नहीं आएंगे ना रिकॉर्डिंग कितनी देख लोगे सर लाइव मार्केट में तो आना पड़ेगा 15 मिनट के लिए आओ आधे घंटे के लिए आओ मेरे पास सुबह 9 बजे 15 बजे 9:15 से लेके 15 मिनट के अंदर हम 25-50-100 पॉइंट ओपनिंग का टाइम निकाल लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रेटजी से इम्बेलेंसेस तो सुबह सुबह 15 मिनट के लिए आ जाओ मार्केट खुला 15-20 मिनट आओ अपना ट्रेड लो प्रॉफिट करो चले जाओ छोड़ के हम बैठे हैं हम तो एक साथ 50 लोग आते हैं अंदर आपको फायदा क्या मिलेगा कम्युनिटी बेनिफिट मिलेगा हमारे पास हमारे काफी अच्छे मेंबर्स हैं वो सब अपना एनालिसिस करते हैं सब मिलके काम करते हैं तो होता क्या कि आपको अक्सर नेक्सस मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी स्किल को और डेवलप कर पाएंगे काफी क्वेश्चन आपको नहीं आते बट बाजू वाले ने क्वेश्चन पूछा तो आपको नया जानने को मिला तो कम्युनिटी में रहने का ये फायदा होता है तो हमारा कोई ऐसा कम्युनिटी वाला सिस्टम है मेरे यहाँ सारे मेरे कम्युनिटी में सारे डॉक्टर इंजीनियर इवन टॉलीवुड ये सभी तरह के लोग हैं मेरे पास मजा आएगा थ्योरी 15-20 डेज में हो जाएगी ज्यादा नहीं लगेगा सर रिपीट कर पाएंगे ना सर अगर समझ में नहीं आया सर जब तक आपके खोपड़ी में नहीं आएगी ना तब तक मैं खड़ा हूँ उसके लिए चिंता मत करो सर लाइव क्लास भी तो अटेंड कर सकते हैं ना जितना समझ में नहीं आए लाइव लाइव तो लाइफ लॉन्ग सर मैंने 2000 वो चिंता लाइव ट्रेडिंग तो मेरे साथ कभी भी कर सकते हो रोज करो यार सर मेरा बस एक ही सवाल है कि ये ट्रेनिंग जब से शुरू होगा हमारा तो आप हम लोगों से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि इतना तो भी हम बेसिक करके आए राइट देखो साल भर का नॉलेज है आपको कॉल पुट कैसे बाय करते हैं ट्रेड का प्लान कैसे करते हैं देखो कई बार मैं आपको हो सकता है ट्रेड एग्जीक्यूशन सिखाऊं कि लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है ये लगाना है बेसिक चार्ट वार्ट ये ट्रेडिंग यूज किया थोड़ा बहुत तो ऐसा बेसिक टेक्निकल थोड़ा सा भी आरएसआई क्या होता है ये तो पता होगा ना सर आपको
इतना बेसिक आना चाहिए, थोड़ा सा मतलब साल भर एक्सपीरियंस है तो ज्यादा ठीक रहेगा। सर और एक बात था, जैसे मान लीजिए अभी तो हम लोग पिवट ऐसे यूज कर रहे हैं, मोस्ट यूज कर रहे हैं, अभी अलग अलग सेटअप है, तो आपका सेटअप जब हम लोग करेंगे सर, पिछला पूरा भूल जाना होगा, पिछला सेटअप पूरा माने शुरू से। सर आपके पास आप कितने साल के हैं सर? सर मेरा तो 3 साल हो गया लगभग। ठीक है, आप नहीं नहीं आपकी एज कितनी है सर? सर एज 36 है। आपने टू व्हीलर, आपके पास टू व्हीलर है? हाँ सर है सर। कौन सा वाला है सर? सर ऐसे तो माने मैं साइकिल चलाता हूँ, इतना मतलब बाइक नहीं है। ठीक है बाइक नहीं है, चलो। जिनके पास तो शुरुआत करी होगी बजाज के स्कूटर से, आज हायाबुसा होगी, आज मर्सिडीज, तो वो भूल जाओगे क्या सर? अच्छा देखो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलता आपने जो सीखा वो खराब होगा, आपने अच्छा ही सीखा होगा, मगर आगे बढ़ रहे हैं अपन तो और अच्छी चीज सीख रहे हैं, तो पिछला भूल जाना नहीं। हाँ पिछला वाला और अगला वाला कुछ मिक्स करके आप अच्छा बना सको, ये आपको सीखने के बाद सोचना है। पहले मत सोचो, फिक्स माइंड सेट से काम मत करो, पहले जो है उसको सीखो। हाँ इसको सीखते वक्त आप उसको ध्यान में मत लाओ, फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो सकता है पिछली चीज और नई चीज ऐड करके कुछ नई चीज बना लो आप, वो आपके आपके क्रिएशन पे आता है सर कई बार। ठीक है मैं आपको अच्छा चीज दिखा दूंगा और आपने पिछला सीखा है उसका रिपीटेशन करके मैं और भी अच्छा कर दूंगा उसको। ठीक है कभी ये मत सोचो कि हमने जो सीख लिया वो खराब था, अब नया सीख, कभी ऐसा मत समझो, आपका पिछला नॉलेज भी वैल्यूबल है और आगे सीखेंगे वो भी वैल्यूबल बनेगा। ठीक है ना सर? सर जी सर, चलिए थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी, विश यू ऑल द बेस्ट। एक लास्ट चीज, यस 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 प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल दैट वी नीड टू हैव आफ्टर द कोर्स? एक मिनिमम कैपिटल जो एक व्यक्ति को 25,000 रुपए, 25,000 का कैपिटल होना चाहिए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। मैं एक बात बताता हूं मैं आपको, जब तक आपकी प्रैक्टिस एक्यूरेसी और आपकी हैबिट स्ट्रांग नहीं बनती ना सर, पैसा लगाना ही नहीं बाजार में। ओके, प्रैक्टिस करनी गली क्रिकेट में, फिर खेलेंगे वर्ल्ड कप, समझे आप? ठीक है, टाटा मोटर में ब्रेकआउट आया, मैं टाटा मोटर में ट्रेड लूंगा, मैं टाटा मोटर का ये टारगेट ले रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस लगाया, आप एफएंडो में मत करो। सीख देखो, आग गर्म में उसको चेक करने के लिए हाथ अंदर नहीं डाला जाता है, पहले चेक करने के लिए आप थर्मामीटर लगाओ, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है 1,000 रुपए का टाटा मोटर लेकर अपनी स्ट्रेटेजी को कंफर्म करो, फिर लगाओ 1,00,000 चलेगा। तो सीखने के टाइम, सीखने के बाद में हमेशा बोलता हूँ मेरे साथ आओ 15-20,000 रुपए लेकर, 1,00,000 पे काम करो, निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रैक्टिस डेवलप करो, एक्यूरेसी डेवलप करो। मेरे पास ऐसे बंदे भी हैं, मैं प्रूफ के साथ आपको ट्रस्ट पायलट पे भी मिल जाएगा, 15,000 रुपए से 28,00,000 भी किए हुए, अभी रिसेंट 15,000 से 60,000 का विड्रॉल भी हुआ है, मेरे कहने पर प्रैक्टिस ही करिए। वो चाहे तो भाई साहब बहुत बड़े पैसे लगा सकते हैं, पर मैंने मना किया। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि सीखने के टाइम बड़े रिस्क लेने होते हैं। ठीक है ना सर? सर ट्रेनिंग लेने से मेटालाइट का सब्सक्रिप्शन मिलता है सर? सॉरी सब्सक्रिप्शन देखो वो अलग है ना, मैं उसमें आपको हाँ मैं कॉल्स वगैरह देता रहूंगा आपको, देता भी हूँ मैं, और जैसे हमारे मिस्टर यादव जी भी है प्राइस एक्शन मास्टर, तो हमारा अलग चलता है, तो कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ आप आ जाओगे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी भी आपको, फिर आप देखना। और सर ये सेटअप कमोडिटी पे भी तो लगेगा ना? सेम सब पे लगेगा, ये भी है बहुत सारे सर, ट्रेडिंग के भी सेटअप है कुछ हमारे पास, स्कैनर्स हैं, सेटअप्स हैं, ऑर्डर फ्लो के भी हैं, और भी मेरे पास और टूल्स हैं, इकोनॉमिकल व्यूज कैसे बनाएंगे, फंडामेंटल के हैं, तो अलग अलग टूल्स हैं सर बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सेटअप है। मैं आपको 15-20-25 दिन तक थ्योरी जो होगी ना वो लंबी चलेगी सर, यानी कि आप 20 डेज में मान के चले ऑलमोस्ट 50-60 आवर्स यू नीड टू गो फॉर थ्योरी, 50-60 आवर्स तब जाके प्रैक्टिकल करोगे। सर क्लास थ्योरेटिकल क्लास कब होगा? टाइमिंग टाइमिंग क्लास टाइमिंग सर आई एम प्लानिंग टू थ्योरेटिकल क्लास टाइमिंग 16 आई एम प्लानिंग सर 16 सर टाइम टाइम सर टाइम 9:30 इवनिंग 9:30 नाइट हां नाइट 9:30 टू 11:30 12 एंड मॉर्निंग अगेन मॉर्निंग लाइव मार्केट फॉर आफ्टर 9:30 क्योंकि हम वी आर वर्किंग सर दैट्स व्हाई आफ्टर 9:30 इट्स बिट सम टाइम अगर आप मिस कर दोगे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी और उसके बाद चाहो तो वापस वो रिपीट रिवीजन भी होते हैं रिवीजन में आ जाना। मेरे को पता है सर आप लोगों का, मुझे सब पता है, मेरे पास सर मेरा शेड्यूल बहुत ही टफ होता है, सुबह 6 बजे निकलना होता है, रात को 10 बजे 10:30 बजे आते हैं, तो रिकॉर्डिंग सर मिलेगा पूरा? हाँ रिकॉर्डिंग मिलता है सर, बिल्कुल मिलता है, ट्रेनिंग का तब अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर आई एम एक्सट्रीमली, अब मुझे क्लोज करना है, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी, मिलते हैं वापस बहुत जल्दी, और कुछ भी इंक्वायरी यू कैन कॉल पूजा फॉर मोर डिटेल्स।
एंड विश यू ऑल द बेस्ट. मैं एनालिसिस दूंगा, जरूर देखिएगा उसको आप, बहुत मजा आएगा आपको. चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे, बाय बाय. विकास सर एक लास्ट क्वेश्चन.